नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि दूध पीना मर्दों के लिए किस प्रकार फायदेमंद होता है। दूध एक ऐसी खुराक है जो हर उम्र में इंसान के शरीर की हर तरह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शरीर का विकास करती है। इसमें ढेरों विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ही दूध पीना चाहिए, पुरुषों के लिए भी दूध पीना उतना ही जरूरी है। पुरुषों को अपनी हड्डियों, बालों और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए रोजाना दूध पीना चाहिए। दूध में उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो आइए जानते हैं आखिर दूध किस तरह उन्हें ढेरों समस्याओं से बचाकर फायदा पहुंचाता है। दूध में पाया जाने वाला फैट और प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन नामक हॉर्मोन्स को एक्टिव करता है, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। इसमें पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो कि फैट बर्निंग प्रोसेस से फैट को घटाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद डाइजेस्टिव गुणों की वजह से डिनर में खाए स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हाई बीपी की प्रॉब्लम से बचाते हैं। दूध में सेसिन और वे प्रोटीन्स होते हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए इन्हीं प्रोटीन्स का यूज होता है। एक गिलास दूध में पुरुषों की रोज की जरूरत का 37% कैल्शियम होता है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी को एनर्जी और ताजगी देते हैं, जिससे आप स्फूर्तिवान महसूस करते हैं। दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन्स मेल हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ती है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन और अमीनो एसिड की वजह से नींद अच्छी आती है और सुबह ताजगी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थे दूध के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।